इसमें दिया गया है कि जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं उसको चिकित्सा करने का हक ही नहीं है। और बिना ज्योतिष जाने, चूँकि ये जो पूरा आपका यूनिवर्स है ये एक इकाई है, हम उसके एक घटक हैं। जैसे बॉडी में 700 खरब सेल्स हैं, तो हमारे एक एक सेल जो है वो एक व्यक्तित्व है, तो ये सारा संसार है, ये एक ब्रह्मांड है। तो उसी तरह से ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक शरीर, एक चेतना, एक महाप्राण से अनुप्राणित होते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट है, सारी चीज़ें, हर जगह का अलग अलग नेचर, अलग अलग प्रकृति है। तो अब हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पांच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में दिया गया है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व है। तो जो भौतिक शरीर है हमारा वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व में जब रोग हमारे होता है तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज में है, तो उसके बिना हमारा काम कुछ दिन चल सकता है, कुछ दिन रोग हमको घसीट सकता है, एक बैग नहीं मरेंगे। तो उसके लिए हमको सर्वगंध चिकित्सा हमारे यहाँ, उसको अधिक से अधिक माइक्रोफाइंड, आप स्थूल मेडिसिन भी दे सकते हो, स्वाद चिकित्सा, हमारे यहाँ जितने भी औषधियाँ हैं, वनौषधियाँ, उसमें दिया गया, मदन पान निघंट देखोगे तो उसमें दिया गया है, ये औषधियों का विश्लेषण, यानी किस में कौन सा केमिकल है और क्या वर्क करता है। तो उसमें स्वाद का दिया गया है कि खटरस ही सब में है, किसी में खारा है, किसी में खट्टा है, किसी में मीठा है, किसी में तिक्त है, किसी में कटु है, किसी में कसैला है। तो ये 6 मेडिसिन ही हमारे पृथ्वी तत्व का इलाज करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए। ये खटरस वो पदार्थ खाया ना जाए, वो केवल चखा जाए, और मैंने ऐसे ट्रीटमेंट किए हैं, लोग ठीक हुए हैं, मैंने उन चीज़ों को खिलाया नहीं, मैंने उसको चखाया है, और चखाने से हमारी बॉडी उस तरह का क्रिया करने लगती है, उससे फाइट करने के लिए एक इम्यून सिस्टम पैदा होता है हमारी बॉडी में, और वो रोग धराशायी हो जाता है। तुम्हारे भौतिक बॉडी के लिए तो सर्वगंध, या तो उसको अधिक माइक्रोफाइंड करना है तो उसको यज्ञोपैथी से ट्रीटमेंट कीजिए, तो वो अधिक माइक्रोफाइंड हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ जितना बारीक कर दिया जाता है, जितना अणुओं तोड़ दिए जाते हैं, उतना वो शक्तिशाली होता है। तो इसमें यज्ञोपैथी किया जा सकता है, आप उस मेडिसिन को सुलगा सकते हो, नहीं उसको चख सकते हो, और चखने से हमारी वो रोग दर्शा भी जाएंगे। ये हुआ हमारे पृथ्वी तत्व का, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें जो विकार होता है। फिजिकल बॉडी के बाद इससे और सूक्ष्म है जल तत्व में के लिए हमारे आयुर्वेद में दो तरह की दवा, मानी प्रकृति भिन्नता के, एक ही दवा के दो रूप, हम एक को गर्म पानी में निकालते हैं तो उसमें ठंडा एसेंस आता है, और एक को ठंडे पानी में निकालते हैं तो उसमें गर्म एसेंस आता है। अब एक ही दवा सिम्टम्स मिल रहे, जैसे होम्योपैथ में सब ये चालीय प्रकृति का है, ये हॉट प्रकृति का है, तो जिस प्रकृति का व्यक्ति है सिम्टम्स सब मिले, अगर प्रकृति नहीं टैली करती तो परिणाम होता, दवा काम नहीं करती। और उसी को अगर हम दो तरह से एसेंस निकालें तो लक्षण सब मिलते हैं, हम हार्ट वाले को हार्ट वाली दवा देंगे और चाली वाले को हम चाली दवा देंगे। तो इस तरह से हम एक ही मेडिसिन के दो पार्ट तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जल शरीर के लिए होम्योपैथ भी हमारे जल तत्व को के विकार को ठीक करता है। अब इसके आगे लीजिए, जल तत्व के आगे वायु तत्व है, और वायु तत्व को खाने का हमारे यानी जीभ के खाने का टेस्ट को हमारी जीभ लेती है, टंग, और पृथ्वी तत्व को हम मुंह से खाते हैं, और इसके बाद जब हम वायु तत्व को के लिए नाक है हमारा मुंह, हमारे पांचों तत्व के खाने के हमारे पास मुंह है, तो हम किसे लेते हैं वायु तत्व को, हम नाक से लेते हैं। अब नाक से लेते हैं तो हवा जो है ऑक्सीजन 35,000 पिंट ब्लड हमारा ऑक्सीडाइज होता है 24 घंटे में, हमारे एल्वियोली में छोटे छोटे सुराख हैं, हर सुराख हमारे बॉडी के एक विशेष स्थान को एनर्जी प्रदान करता है, तो वो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन तैयार होता है वो वहाँ जाता है, वहाँ ऑक्सीजन देता है, यानी लाइफ फोर्स वहाँ पैदा करता है, और वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़े से हमारे निकाल देता है। तो ये काम सतत चलता है, तो हम इसके लिए यज्ञोपैथी, हम किसी भी दवा को
धुएं में डालेंगे हमारे पृथ्वी तत्व और वायु तत्व का एक दवा जिसको हम यज्ञोपैसी कहते हैं। गैस कैसा, कुछ अभी एलोपैथ में भी कुछ निकाले हैं, जैसे दमाद के लिए कुछ गैस है उसको सुंघाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, तो मेडिसिन को अगर आप उसको दें तो अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे इतनी भांग हो, एक आदमी खाने पर जितना उसको नशा होगा उसी को चिलिम में रख करके चार आदमी पियेंगे उतना नशा होगा, यानी वो अधिक माइक्रोफाइंडिया है, जो चीज़ जितना सूक्ष्म हो जाता है उतना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो आग में जलने के बाद जब धुआं के रूप में हुआ उसके केमिकल तो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो यज्ञोपैथी उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका है। अब उसके बाद फिर वायु तत्व के बाद प्रकाश तत्व आ गया। अगर मर्ज हमारे प्रकाश तत्व में पहुंच गया तो प्रकाश तत्व के लिए हमारे यहाँ चश्मा, कलर हीलिंग जिसको कहते हैं, चिकित्सा का एक आयाम है कलर हीलिंग, तो उसमें हम चश्मा दे करके हम बैलेंस मिला सकते हैं। चश्मा बैलेंस मिला लाता है, तो चश्मे से या हम बॉटल में, क्लीन बॉटल हो उसमें पानी रख करके वो कलर का प्रकाश दे करके हम उसको चार्ज कर सकते हैं और वो पानी में वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो मेडिसिन का काम करता है। किसी भी दवा में, किसी भी शुगर में या किसी चीज़ पर हम प्रकाश दे करके उसको उससे भावित कर सकते हैं, सूक्ष्म एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं, और उसको देंगे तो हमारा वायु तत्व भी ठीक होगा। वायु तत्व के जो विकार हैं वो हमारे ठीक हो जाएंगे, वो प्रकाश तत्व। तो प्रकाश तत्व के लिए हमारा ये चिकित्सा पद्धति है। अब उसके बाद आकाश तत्व, आकाश तत्व का अंग हमारा कान है। हम आकाश तत्व का की जो वो है ध्वनि है, ध्वनि हमारे आकाश तत्व को पावर देती है, तो उससे आकाश तत्व विराट होता है। आकाश यानी जो ये आकाश है ये हमेशा विस्तीर्ण होता रहता है, बढ़ता रहता है। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है बढ़ना, तो ये बढ़ता रहता है और ध्वनि की वजह से इसका विस्तार होता है। तो हमारी बॉडी में भी स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्पेस के एनर्जी वहाँ रह नहीं सकती, कोई चीज़ रहेगा नहीं। हमारी बॉडी एक खोल है, उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, केमिकल हैं, रसायन हैं, तरह तरह के तत्व हैं, वो भरे हैं, तो उनको भरने के लिए आकाश तत्व ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे मंत्र चिकित्सा, यानी हमारा रोग कहाँ पहुँचा है, ये 5 स्टेज हैं, और 5 स्टेज में आप मरीज को ये पता होना चाहिए, और ये चीज़ ज्योतिष से बखूबी जाना जा सकता है, ज्योतिष से बखूबी जाना जा सकता है। हम कुंडली बनाते हैं, हमने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया कुंडली से, आपकी मेडिकल साइंस वो लेबोरेटरी में चेक कराते हैं, जांच कराते हैं, तब रोग, बच्चा आज पैदा हुआ 50 साल में उसको कौन सा रोग हुआ वो कुंडली निकाल देगा, कि हार्ट में होगा, कि उसके पेरिकार्डियम में होगा, कि उसके किडनी में होगा, कि उसके ब्लडर में होगा, उसके लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, कि लिटिल इंटेस्टाइन में होगा, उसके ग्रामेटर में होगा, उसके कान ईयर में होगा, कि नोज में होगा, कि आई में होगा, हैंड में होगा, कि लेग में कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें A to Z वो निकल आती हैं, और निकलने के बाद उसी में से चिकित्सा भी निकल जाती है। हर ग्रह की अपनी धातु है, और प्रत्येक धातु हमारे लिक्विड फॉर्म में है, वो धातु ही वो ग्रह है, और वो उस ग्रह की वनस्पतियाँ हैं, उस ग्रह की धातुएं हैं, और उसके दोष को न्यूट्रल करने के लिए दवाएं भी हैं हमारे आयुर्वेद में दी गई, और उसी से हम दे करके ठीक कर देते हैं, और हम रोग जानते ही नहीं कि उसको क्या रोग है, लेकिन ज्योतिष से निकाला, कुंडली से निकाला, रोग कब हुआ है, उसकी कौन सी महादशा थी, और आ जाता है और हम देते हैं, ठीक हो जाते हैं। और कई एक भाई दरोगा जी थे, उनके बच्चे का 3 साल से इलाज हो रहा था, दिल्ली में इलाज कराया उनका एम्स में, फिर यहाँ जो है लखनऊ में एक अस्पताल है उसको क्या बोलते हैं, वेदांता, उसमें कराया, फिर BHU में कर रहे थे। संजोग से हमसे भेंट हो गई, हमने कहा उसकी कुंडली दीजिए, मैंने निकाला और मैंने उनको आयुर्वेद की दवा दिया, और मैंने कहा 6 दिन में ठीक हो जाएगा, और 6 दिन में ठीक हो गया। कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्च किए थे, उस बच्चे की पढ़ाई छूट गई थी, और वो ठीक है। अगर आप जानना चाहो तो उनका हम फ़ोन नंबर दे सकते हैं, आप उनसे बात करके जानकारी ले सकते हो। वो पूरब में पहले वो थे, अब चंदौली में वो दरोगा जी पोस्ट। बाणी को विराम देते हैं, और चिकित्सा की बहुत सारे आयाम हैं, आयाम में कुछ थोड़ा सा बता दें।
रेकी चिकित्सा है, टाइम चिकित्सा है, समय। अकाले ने वो कर्तव्य दातुर हो प्राण घात का असमय में किया या, और ये ज्योतिष से ही पता चलता है किस अंग का, तुम्हारे आँख का कौन सा टाइम है, तुम्हारे फेफड़े का कौन सा टाइम है, तुम्हारे छोटी आँख का कौन सा टाइम है, तुम्हारे किडनी का कौन सा टाइम है। आप उस टाइम पर मेडिसिन दोगे तो टॉप क्लास का काम करेगा, और आप उस टाइम पर नहीं दोगे, अलग समय पर दोगे तो कोई काम नहीं, या उससे कंजुगेट है तो थोड़ा बड़ा काम करेगा। का बरखा भय किसी सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। समय आप चूक जाते हो, मेडिसिन सही है लेकिन टाइम नहीं है, और टाइम चाहिए। अकाले नयो कर्तव्य दातुर हो प्राण घात का, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, समय बहुत कीमती है, यह हमारा शास्त्र कहता है, आज का विज्ञान भी कहता है, सभी लोग कहते हैं। और यहीं पर से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, अगली बात हम आपको आगे फिर बताएंगे। सबके हृदय में बैठे उस परमात्म तत्व को नमन करते हैं।